Thursday and inshallah tomorrow will be the Friday. Till Friday, kal main nahi aaunga. On Saturday, inshallah, we'll meet again. Saturday, we'll dobara mulaqat karenge. But for the end of this program, especially kya karein, main aapko batana chahta hu that how to live happy and khush kaise rahe. Khush rehne ka sabse aasan tarika teen rules hain. There are three rules to live happy. Khush rehne ke teen tarika hain jo main bhi karta hu aur mujhe acha lagta hai. One thing is that never talk about third person के बारे में बात करना छोड़ दें, चाहे वो कोई भी शख्स हो, किसी का ही मामला हो, कुछ भी हो, घर में हो, बाहर हो, किसी खानदान का हो, कुछ भी हो, उसके बारे में डिस्कस ना करें, ये एक बात है, कोई भी था, और अगर आपके सामने कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात करे तो आप बोले यार हमें क्या करना, हम किसी के बारे में क्यों बात करें, ये पहला रूल। रूल नंबर टू हमारे पास क्या है? रूल नंबर टू हमारे पास ये है कि नेवर थिंक अलॉट। नेवर थिंक अलॉट का मतलब ज्यादा मत सोचें, ज्यादा ना सोचें और बिना वजह ना सोचें। आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो भी ठीक है, कर सकते हैं तो भी ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन होगा, हल होगा, आपके पास नहीं है किसी और के पास होगा, उसके पास नहीं है किसी और के पास होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो भी मसला आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, वो आप दुनिया के वाहिद इंसान नहीं है कि आपके साथ वो प्रॉब्लम हुआ हो, आपसे पहले लाखों करोड़ों लोगों के साथ हुआ हो। और रूल नंबर थ्री, खुश रहने का सबसे आसान तरीका रूल नंबर थ्री इज दैट थैंक्स टू अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें कि अल्लाह ताला तुमने हमें सब कुछ दिया है। अगर आपके पास खाने पीने का सामान घर में मौजूद है, आप खाना खा रहे हैं, आपके बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, और अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो कुछ ना कुछ खा कर जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अमीर आदमी हैं, अमीर इंसान हैं, और आप खुश नसीब हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, याद यकीन करें बहुत आपको मजा आएगा, जिंदगी को सुकून मिलेगी। कंपेयर ना करें किसी से अपने आप को, किसी और से मुवाजना ना करें, किसी कपड़ों में मुवाजना ना करें, घर में मुवाजना ना करें। हाँ, अगर मुवाजना करना है तो इबादत पे करें, अच्छी बातों पे करें, फिर आप देखिए कि आपको कितना मजा आया, वरना तो हम दुनियावी चीजों के ऊपर मुवाजना कर रहे होते, उसके बस कार है, फ्लाएं फ्लाएं, जो कुछ हमारे पास होता है हम उसके टेस्ट और उसके जायके का ही मजा नहीं ले पाते। मिसाल के तौर पर जो उसी घर में कोरमा पका है, कोरमा है, बिरयानी है, जो भी है, मेरे घर में अगर दाल है, मैं इस दाल से अगर उसको मुवाजना करना शुरू कर दूंगा तो इस दाल का जायका मैं नहीं चख पाऊंगा और मैं इससे ही महरूम रह जाऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात थी, मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी ये बात, और आप यकीन करें तो करना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी में बहुत सुकून सा आ जाएगा। थर्ड पर्सन के बारे में बात करना ठीक है, दूसरा ज्यादा नहीं सोचना है, और तीसरा अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं तो करता हूँ अल्लाह का शुक्र, लेकिन आपके सामने कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ। YouTube के ऊपर मेरा चैनल है, उसका नाम है Mac Hope, M-A-K, Mac, H-O-P-E, Hope, Mac Hope है। YouTube पे अगर आपको देखना हो आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, देखें उसको, अच्छी बात को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान दबा।